Hi everyone, hope you all must be doing great. Let's start with question number 21, जो कि house property का question है, तो सबसे पहले question को read कर लेते हैं. It says, Nisha has two houses, both of which are self-occupied. दोनों घर को आप self-occupied नहीं मान सकते हैं, सिर्फ एक ही घर को हम self-occupied मानेंगे, and second house should be treated as deemed let out. The particulars of which are given below. Municipal value per annum house 1 or house 2 की दी गई है, fair rental value दी गई है, standard rent per annum दिया गया है. Date of completion of the house, houses complete हो चुके हैं. Municipal taxes payable during the year, municipal taxes payable, paid नहीं लिखा, payable लिखा है. तो depend करता है कि क्या वो pay हुए हैं या नहीं pay हुए हैं, क्योंकि जो municipal taxes pay होते हैं, आप सिर्फ उसी के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर. कंप्यूट निशास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय निशा टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो हर टैक्स लायबिलिटी शुड बी मिनिमम. तो आपको ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है जो कह रहा है कि इनके पास दो घर हैं, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं. आपको सिर्फ एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और दूसरे को डीम लेट आउट. तो ऑप्शन वन रहेगा आपको, जैसे कि आप यहां पर प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं. सबसे पहले आप ऊपर कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा दो तीन लाइन की, जहां पर आप अपना मेन आंसर लिखेंगे और वर्किंग नोट बनाएंगे बाय टेकिंग ऑप्शन वन, हाउस वन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस टू डीम्ड लेट आउट. क्योंकि हाउस वन को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, इसकी नेट एनुअल वैल्यू आई रिपीट NAV ही निल लेते हैं. 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल नहीं पाएगी बिकॉज इट इज 30% ऑफ NAV और NAV आपका जीरो है, तो 30% भी जीरो हो जाती है. और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड मिल जाता बट हाउस वन के लिए कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो आपकी हाउस वन से इनकम आने वाली है जीरो. हाउस टू को डीम्ड लेट आउट मानिए. तो सबसे पहले उसकी GAV कैलकुलेट करते हैं. GAV को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. क्योंकि घर एक्चुअली लेट आउट नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV होगा. वो क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. तो आपकी हाउस टू कब 115,000 प्लस 175,000 को कंपेयर कीजिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर दैट कम्स टू 1.75 और इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड रेंट से विच शुड बी लोअर 165,000 ही आपकी हाउस नंबर टू से GAV आ पाएगा. उसमें से लेस कीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस अगर एक्चुअली पे हुए हैं तो वहां पर लिखा हुआ है हाउस टू के म्युनिसिपल टैक्सेस पे हुए थे एंड दैट इज 8%. तो इसका मतलब हाउस टू के लिए आपको म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिल जाएगी. 8% ऑफ व्हाट? 8% इज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू. तो 115,000 का 8% की म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन दे देंगे, आपकी NAV आ जाएगी. NAV का 30% डिडक्शन दीजिए 24A में, 24B में भी डिडक्शन दे दीजिए रिपेयर के लिए. कोई लिमिट नहीं है. अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हैं तो 24B की लिमिट होती है, यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है. तो आपको 55,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और इस तरीके से आपकी हाउस प्रॉपर्टी नंबर टू की इनकम आ जाएगी. नाउ देयर वुड बी ऑप्शन नंबर टू, जहां पर आप हाउस वन को डीम लेट आउट मानिए और हाउस टू को सेल्फ ऑक्यूपाइड. हाउस टू को अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं तो उसकी NAV निल, 24A की डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल हो जाएगी, 24B लिमिटेड हो जाएगा. क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट दिया गया है रिपेयर के पर्पज के लिए तो लिमिट हो जाती है 30,000 रुपीज और इस तरीके से आपका हाउस प्रॉपर्टी नंबर टू में लॉस आएगा 30,000 रुपीज का. हाउस नंबर वन को आपने डीम लेट आउट माना है, उसकी GAV निकालिए. एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, जो कि आपका 1,00,000 रुपीज आ जाएगा. म्युनिसिपल टैक्सेस पे नहीं हुए हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, NAV विल बी निल. तो NAV will be 1,00,000. उसका 24A की डिडक्शन 1,00,000 का 30% 30,000 रुपीज और 24B है नहीं इंटरेस्ट, तो यहां पर आपकी इनकम आ जाएगी 70,000.
हाउस वन आपको दे रहा है 70,000, हाउस टू दे रहा है 30,000 नेगेटिव, दैट मेक्स योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम 40,000. ऑप्शन वन जब आपने चूज किया था तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई थी 54,060 रुपीज, और हाउस ऑप्शन टू में आपकी इनकम आई है 40,000 रुपीज. आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन नंबर टू रहेगा, जहां पर आप हाउस वन को डीम लेट आउट माने और हाउस टू को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने. इस तरीके से आप अपने मेन आंसर में जहां पर आपने कुछ 3 या 4 महीने की स्पेस छोड़ी थी वहां पर प्लीज लिख दीजिएगा कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है 40,000 और आप ऑप्शन नंबर टू चूज करेंगे, हाउस वन एज डीम लेट आउट एंड हाउस टू एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेंगे. थैंक यू सो मच.